तो गुजरात में वर्ल्ड कप आते आते चूक गया और इतना साला दिल का झटका लगा। आखिरी ओवर बहुत अच्छा रहा, हार्दिक पांड्या का जो ओवर था वो महान ओवर था, पर जैसे कुंग फू पांड्या अपने आए और क्लासन को लेके गया उसके बाद थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ मैच में है। उसके बाद सबको पता है बुमराह की क्या क्वालिटी है, उसने जो कमबैक कराया। तो मेंटालिटी है गौतम गंभीर की वो भी बहुत अच्छे से सूट करेगी, मतलब उसकी बहुत अग्रेसिव मेंटालिटी है, क्योंकि इस बार फॉर्म में विराट कोहली अच्छी फॉर्म में थे और जिसकी वजह से हम लोग मैच विन कर सके। सूर्या के लिए तो हेड्स ऑफ है यार, सूर्या जैसा कैच पकड़ा ना, वो कपिल पाजी पकड़े थे उस समय में, हमारे पिताजी बताया करते हैं कपिल ने पकड़ा है, कब दिया नहीं है, कब अपन छीन के लाए। हाँ, गौतम गंभीर इज द ऑब्वियस चॉइस राइट नाउ एंड आई एम प्रीटी श्योर उसके अंडर वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी सब आएगा इंडिया। 30 पे तो हम लोग ने एक मिनट तो सोचा बंद ही कर देते क्योंकि अब नहीं देखा जाएगा। हेलो एंड हाय, दिस इज मी विशाल अंबानी और आप देख रहे हैं बज़ूका। 13 साल बाद वर्ल्ड कप आ चुका है घर, चलिए जानते हैं लोगों से कि क्या है रिएक्शंस उनका वर्ल्ड कप को लेके। सो सर कल का मैच देखा, 13 साल बाद वर्ल्ड कप घर आया है, सो इस पे क्या रिएक्शन, आप क्या कहना चाहोगे? ए पूरा खुशी का माहौल तो हुआ ही है, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में वर्ल्ड कप आते आते चूक गया और इतना साला दिल का झटका लगा कि वह त्यौहार हो गई, तो इतनी सारी हमने तैयारियां कर रही थी कि पूरा वर्ल्ड देखता कि गुजरात वाले क्या कर रहे थे, ऐसा बहुत बड़ा त्यौहार था हमारे लिए, पर इधर तक निवाला आया और चूक गए, पर वो अफसोस कोई बात नहीं है कि जो होता है वो सही अच्छा ही होता है, पर कल का मैच जो हमारा घर में वर्ल्ड कप आया तो बहुत सारी खुशी फिर वापस आ गई और इससे हम संतुष्ट हैं। सर अहमदाबाद में नहीं हुआ पर बारबाडोस में वो वर्ल्ड कप आया, मज़ा आया देख के? देखो भाई, हम क्या है कि जीवन एक उत्सव है और दुनिया एक परिवार है और भारत अपना घर है, और कहीं भी कहां से भी वर्ल्ड कप आए, वर्ल्ड कप आया इसलिए भारत में पूरी जान आ गई, ऐसा है, हम ऐसा नहीं सोचते कि गुजरात वाले में गुजरात के स्टेडियम में ही वर्ल्ड कप आता तो ही अच्छा, लेकिन भारत हर भूमि सही है, लेकिन इतिहास तो वही बनता है जहां पसीना बहता है। इसी के बीच हमारे महान खिलाड़ी रोहित शर्मा विराट कोहली ने T20 से संन्यास ले लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर अभी नहीं लेना चाहिए था क्योंकि आप बहुत अच्छा खिलाड़ी थे, ऐसे बैट्समैन मिलना बहुत बड़ी बात है, क्या भारत के तरफ से बहुत महान खिलाड़ी थे ये, नंबर एक पर है, वर्ल्ड कप लाए, हमको बड़ा जीवन दान है उनके लिए और उनके लिए बहुत कुछ दुआ है। कोहली के फॉर्म पे थोड़ा संदेह था बट जो फाइनल में उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है बहुत अच्छी करे सर, क्या लाजवाब बैटिंग थी कोहली की भी, रोहित शर्मा की भी, आखिरी ओवर बहुत अच्छा रहा, हार्दिक पांड्या का जो ओवर था वो महान ओवर था, उन्होंने जीत दिलाए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, ऐसे हमेशा चमके हमारे खिलाड़ी, कब लाते रहे। एक टाइम ऐसा था जहाँ 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, क्लासन आउट हुए, हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया, तो पूरा टर्निंग पॉइंट वहाँ से था, वहाँ से क्रास हो गया, जैसा विकेट गिरा पहले ओवर में वहाँ से क्रिकेट चयन हो गया। पांड्या जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने जीत दिला दिए। क्या सो भाई, टीम इंडिया का जर्सी आप लोगों ने भी पहना है, मैंने भी पहना है, दोनों 2023 का था, 2023 का सपना पूरा नहीं हुआ बट 2024 बारबाडोस का सपना पूरा हुआ, क्या कहना चाहिए? मज़ा आ गया, देखो यार भैया हमें तो मतलब हमें कल जो मैच चल रहा था, मैच की जो सिचुएशन थी, हमें देख के लगा कि मतलब 15 ओवर के बाद तो यार ये भी निकल जाएगा, और फिर वो जब हम गाना गा रहे थे खड़ा हुआ आज भी भाई वापस लूप में चलने लगेगा, बट आई गेस जो बॉलर्स ने काम किया यार वो बहुत वर्दी था और इसीलिए आज हम ये पहन के एकदम थोड़ा अपना हैप्पीनेस शो कर रहे हैं। पर जिस तरह से रिएक्शंस था, क्लासन का वो विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया, वहाँ से जो मोमेंटम चेंज हुआ, बुमराह का ओवर, फिर वापस हार्दिक पांड्या का ओवर, बीच में हर्षदीप का ओवर, सो जो मोमेंटम बना, बॉलर्स ने जो मोमेंटम बनाया उसके बारे में क्या कहना? एक्चुअली जो अक्षर का ओवर था जिसमें 24 रन गए वो देखने के बाद तो लगा कि मैच चला गया, पर जैसे कुंग फू पांड्या अपने आए और क्लासन को लेके गया उसके बाद थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ मैच में है। उसके बाद सबको पता है बुमराह की क्या क्वालिटी है, उसने जो कमबैक कराया, उसके बाद हर्षदीप के बारे में तो क्या ही कहना, तो उसके बाद सब अच्छा गया और हमने 19 नवंबर के लिए पटाखे ला के रखे थे, वो उस दिन हम छोड़ नहीं पाए, वो हमने बचा के रखे थे कि ठीक है कभी तो मौका आएगा, वो हमने कल पूरे जलाए।
पर कुंफू पांड्या की बात करें, 6 महीने उन्होंने खुद ही कहा 6 महीने टफ गए, उसके बाद उनका जो IPL जिस तरह से बीता, उसके बाद वर्ल्ड कप आए, वर्ल्ड कप में हीरो बने, अच्छे ओवर्स डाले, लास्ट ओवर भी अच्छा डाला, क्लासन का विकेट, तो हार्दिक पांड्या के लिए क्या संदेश देना चाहूँ? एज अ इंडियन फैन हम तो तब भी IPL में भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है MI के मैनेजमेंट की गलतियाँ थी, हार्दिक की उसमें कोई गलती नहीं थी, बाकी पता है चैंपियन खिलाड़ी है, करते आए इंडिया के लिए, आगे भी करेगा। और कल जिस तरीके से लाइक कुदरत का आप करिश्मा ही मानो उसको, कि उसको लास्ट ओवर मिला कि ठीक है 16 रन डिफेंड करने थे, पहली बॉल पे ठीक है वो छक्का हो सकता था, पर सूर्य कुमार यादव का वो कैच, तो इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं, हार्दिक चैंपियन प्लेयर है, चैंपियन रहेगा अपने लिए हमेशा। वो कैच के बारे में क्या कहना चाहोगे, 6 पे 16 चाहिए तो तभी एक कैच पकड़ा था। भैया वो कैच ने मतलब जैसा दोस्त भी बोल रहे हैं, ठीक है जो 2011 का अगर एक हाईलाइट अपने को याद आता है तो वो याद आता है धोनी का वो जो मैसिव सिक्स था वो, ठीक है जो लास्ट वाला, और अभी जो 2024 का जो वर्ल्ड कप जीता है T20, उसमें अगर कोई एक हाईलाइट रहेगा जो हमेशा याद रहेगा वो जो सूर्य कुमार यादव का कैच है। इस मूवमेंट पर अपन ना स्पेशल मेंशन अपने जो फील्डिंग कोच थे दिलीप सर, अपन ने देखा कितना एंजॉय किया, जो वीडियोस आते हैं फील्डिंग मेडल के कितने एंजॉय किया उन्होंने, सूर्य कुमार यादव ने बोला था इंटरव्यू में कि वो डेली मैच से पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करते थे, तो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए मैच में, तो अच्छा लग रहा है। इसीलिए आज हम जुहू आए घूमने, क्योंकि कल रात से हम सोए नहीं है, आज दोपहर में बाइक उठा के चलो देखते हैं क्या चल रहा है, तो कल रात हाँ एग्जैक्टली हमने कल कॉलेज में पूरी रैली निकाली, हम IIT बॉम्बे से हैं तो पूरे कॉलेज में हंगामा करा, अच्छा लग रहा है। इसी वीक एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, आपके भी फेवरेट, हमारे फेवरेट, हम सभी के फेवरेट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली अब T20 मुकाबले में नहीं रह गए, विराट कोहली ने बोला अब आगे की जनरेशन खेलना चाहिए T20, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप भारत में है, क्या लगता है आपको T20 रिटायरमेंट लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था उनको? आई गेस अभी जो उनके लिए सिचुएशन थी, ठीक है अभी अपने को पता भी लग रहा है द्रविड़ का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया है, और उतना 2 साल का आगे का वो नहीं सोच रहे, उनको पता है कि यार अभी बहुत सारे यंगस्टर जो कि IPL में प्रिपेयर हो चुके और अभी वो टाइम है कि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का और उनको थोड़ा सा ग्रूव अप करने का, तो आई गेस उन्होंने वो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया और स्टिल वो ODI और टेस्ट तो खेलते रहेंगे, और आई गेस अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा स्टेप था दोनों ने एक साथ जो है, इससे हाँ मेरे को बढ़िया ड्रीम रिटायरमेंट हो सकता है किसी का भी, ठीक है विराट के रन नहीं आ रहे पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में जाके आप इतना अच्छा वो कर रहे हो, आपको प्लेयर ऑफ द मैच मिल रहा है, तो उससे अच्छा रिटायरमेंट क्या ही मिल सकता है। एक आखिरी सवाल, राहुल द्रविड़ एज अ कोच अब नहीं रहेंगे तो आपके हिसाब से आप नेक्स्ट कोच किसको देखते हो और क्यों देखते हो? ऑब्वियसली गौतम भाई गौतम भाई मतलब गौतम गंभीर, अरे गौतम मतलब गंभीर का ऐसा है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा ODI और टेस्ट में कैप्टन रहेगा अभी भी फॉर लाइक मोर देन 1 ईयर, ठीक है और अगर जो मैंटेलिटी है गौतम गंभीर की वो भी बहुत अच्छे से सूट करेगी, मतलब उसकी बहुत अग्रेसिव मैंटेलिटी है जो कि रोहित शर्मा ने भी चेंज करी आफ्टर 2022 वर्ल्ड कप, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने लायक होगा, मतलब टीम में भी अच्छे खासे चेंजेस आएंगे जो कि अपने को लग सकता है कि मतलब फैंस के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं हो लेकिन टीम के हित में जा सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हो तो आपको पता है कि गौतम गंभीर ने क्या किया है वर्ल्ड कप में भी या इस बार IPL में KKR के लिए क्या किया, उसका जो माइंड सेट है लाइक अगर आप ठीक है अगर आप सही में क्रिकेट फैन हो तो आपको पता है कि वॉट इज़ ही, तो आई लाइक गौतम गंभीर, तो उसके अलावा कोई। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। सो कल का मुकाबला देखा, 13 साल बाद वर्ल्ड कप आया वापस भारत में, सो कितनी खुशी है इस चीज़ को लेके? बहुत ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा विराट कोहली खेले उसे हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस बार फॉर्म में विराट कोहली अच्छी फॉर्म में थे और जिसकी वजह से हम लोग मैच विन कर सके, इसलिए इंडिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं T20 फॉर्मेट से, सो किस तरह का रिएक्शन था जब आपको पता चला? अरे यार बहुत बुरा लगा है। सो कल 13 साल बाद वर्ल्ड कप फिर वापस घर आया है, कितनी खुशी है इस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए ये, और रोहित भाई ने विराट भाई ने बुमराह ने क्या बॉलिंग किया है, पांड्या को तो कोई भूल ही नहीं सकता, कितना लोग उसको ट्रोल कर रहे थे IPL में मगर उसने दिखाया यहाँ पे उबर के इस साल। एक टाइम सिचुएशन ऐसा था 30 बॉल में 30 रन चाहिए फिर क्लासन का विकेट गिरता है, सूर्या कुमार का वो कैच जो 30 बॉल घटे टीम इंडिया के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? सूर्या के लिए तो हेड्स ऑफ है यार, सूर्या जैसा कैच पकड़ा है ना, वो कपिल पाजी पकड़े थे उस समय में, हमारे पिताजी बताया करते थे कपिल ने पकड़ा है, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ अब सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है कैच। यस,
एंड उसी बीच रोहित शर्मा विराट कोहली का रिटायरमेंट अनाउंसमेंट हुआ, सो कितनी दुख की बात है। एंड विराट कोहली ने एक लाइन कही थी कि अब यंगस्टर्स को टेक ओवर है। हाँ, यंगस्टर इंडिया में बहुत सारे वेट कर रहे हैं जो खेल नहीं पाते, मगर एक बहुत इमोशनल मोमेंट था, विराट और रोहित ने अनाउंसमेंट किया, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। पूरे टूर्नामेंट में सबसे बड़ी बात क्या थी? पूरे टूर्नामेंट में सबसे बड़ी बात थी विराट कोहली का अभी तक फ्लॉप होना, उसके बाद फाइनल में आके बताना कि बड़े मैच का प्लेयर क्या होता है। इसी बीच राहुल द्रविड़ सर के पास भी एक कप आ चुका, बट अब वो कोच नहीं रहेंगे, तो आपके हिसाब से कोच कौन होगा टीम इंडिया का? कोच तो राहुल द्रविड़ जैसा और कोई आ नहीं सकता, मगर BCCI जिसको लाना चाहिए वो बहुत अच्छा ही लाएगी। आपके हिसाब से कौन कोच बनना चाहिए नेक्स्ट? रिकी पोंडिंग मुझे अच्छा लगता था, मगर देखते हैं अभी कौन बनता है। गौतम गंभीर बन सकते हैं, गौतम गंभीर हमारे फेवरेट भी है। थैंक यू। सो सर, कल 13 साल बाद वर्ल्ड कप आया है, क्या कहना चाहोगे? कल इंडिया की टीम काफ़ी 11 साल बाद अपने वर्ल्ड कप आए, गए बार हर बार अपने फाइनल में आते और हार जाते हैं। इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली की मेहनत से इस बार वर्ल्ड कप अपने जीत गए, बराबर कप दिया नहीं है, कप अपन छीन के लाए हैं। हाँ, 2007 में अपने को अफ्रीका में जीते थे, अफ्रीका के अंदर जीते थे, बराबर 2011 के अंदर अफ्रीका के कोच ने जिताया था अपने को, इंडिया के कोच जाओ, हाँ अफ्रीका के कोच, और 2024 में अफ्रीका को हरा के अपन कप लाके जीते हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? सूर्या का कैच जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो मिलर का जो कैच नहीं आता, काफ़ी ये फीका जो कैच नहीं पकड़ते अपन, तो वो ये मैच अपने पास से जा सकती थी, और काफ़ी लंबे समय के बाद इंतजार के हर बार अपन फाइनल में आते थे और हार जाते थे, इसके लिए और रोहित शर्मा और विराट कोहली की मेहनत से और कैप्टनशिप के हिसाब से अपन जीत गए। कल एक और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों T20 से रिटायर हो चुके। विराट कोहली ने कहा कि अब यंगस्टर्स को टेक ऑन करने दीजिए, मैं अब T20 मुकाबला नहीं खेलूंगा, तो इस पर क्या कहना चाहोगे सर? ठीक है, अब नए आदमी को भी मौका देना चाहिए, इन्होंने भी इतना साल इंडिया की कैप्टनशिप करी, खेले इंडिया के लिए, खेले देश के लिए, खेले और देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ करके बताया, कप लाए, अपन ट्रेट फाइनल में आते थे अपन हार जाते थे, बराबर बहुत कोशिश करी। अब नए आदमी को, नए प्लेयर को, नए बैटर को मौका देना चाहिए, यही उनकी जो भी सोच है, उन्होंने बोला है कि नहीं इंडिया के लिए हम खेले और नए आदमी को मौका, उनकी सोच बिल्कुल सही है। हार्दिक पांड्या का जिस तरह से दौर चल रहा था IPL में और इसके बाद वर्ल्ड कप में दौर, क्लासन का वो विकेट लास्ट ओवर 16 रन, मिलर का विकेट, फिर वापस एक और विकेट, सो जो टर्निंग पॉइंट था हार्दिक के करियर का, और हार्दिक काफ़ी इमोशनल भी दिखे कल, सो उस पर क्या कहना चाहोगे? हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी मेहनत की और इसका हार्दिक पांड्या के को सोशल मीडिया में लोगों ने बहुत वो वायरल भी किया, पर वो क्रिकेट से और सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं होता, मेहनत, जुनून, टीम के लिए खेलना, वही बहुत बड़ी बात है। लोग तो खाली बात करते हैं ऐसा ऐसा, पर वहाँ पिच पर खेलना, पिच पर रमना और विदेश की धरती पर जाकर रमना, वो बहुत बड़ी इंडिया के टीम के सभी प्लेयर के लिए कमाल की बात है और प्राउड है अपन को, और ये ऐसा खेलना, अच्छा खेल है, ऐसा तो नामुमकिन है, लोग तो खाली बातें करते हैं। एक आखिरी सवाल, राहुल द्रविड़ सर के पास अब एक कोच एज अ कोच एक वर्ल्ड कप आया है, अब नेक्स्ट कोच कौन होगा आपके हिसाब से और क्यों होगा? राहुल द्रविड़ साहब भी काफ़ी सीनियर आदमी है और नेक्स्ट कोच लगभग तो तय है, गौतम गंभीर सर फाइनली हो जाएंगे, वो तो बात है ही, गौतम गंभीर सर कोच है ही, फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ सर ने भी काफ़ी मेहनत की, क्योंकि टीम इंडिया के लिए नए प्लेयर, नए बॉलर, जसप्रीत बुमराह है, नए नए अच्छे बॉलर भी है अपने पास, समी है, समी रिटायर है अभी इसके लिए, फिर अपन ये बुमराह क्या कहते हैं अपने सिराज है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है। थैंक यू सो मच सर। वर्ल्ड कप इंडिया आ चुका है 13 साल बाद, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी कल रात, हम दोस्त लोग सब साथ में देख रहे थे, एंड लेजेंड जो विनिंग मोमेंट था, हम सब हिल नहीं रहे थे लास्ट 2 ओवर से कि पोजीशंस पे रहो कि कुछ मैच में ऐसा ना हो जाए, एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी एंड बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल मोमेंट था तब। आपके हिसाब से टर्निंग पॉइंट क्या था वर्ल्ड कप? सूर्य कुमार का वो कैच, द लास्ट ओवर वो कैच, दैट वॉज जस्ट मिराकुलस, कॉज बॉल फुल टॉस हो गई थी, बट दैट कैच जस्ट टर्न्ड एवरीथिंग टू आर फेवर। जीतने के बाद काफ़ी लोग इमोशनल थे, पर सबसे ज़्यादा इमोशनल एक बंदा था जो मुझे लगा, हार्दिक पांड्या, जिस तरह से उनके 6 महीने बीते, उसके बाद आके क्लासन का विकेट लेना, 6 पे 16 रन डिफेंड करना, हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहना? हार्दिक पांड्या एक्चुअली बहुत ही जेन्युइनली बहुत अच्छा प्लेयर है, IPL की वजह से काफ़ी उसको बैकलैश मिल रहा था, बट स्टिल एज एन इंडियन फैन उसको हमेशा सपोर्ट दिया ही था,
एंड ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड कप बी इट बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ही परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल. तो हाँ ही इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स एंड आई गेस द फ्यूचर T20 कैप्टन ऑफ इंडिया. इसी बीच रोको यानी रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं T20 फॉर्मेट से. सो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वेल रोहित शर्मा का कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग लगा बिकॉज विराट कोहली का एक बार को पता था हो रहा है बट रोहित शर्मा तो और भी शॉक्ड एंड ऑब्वियसली गेम देखने अब थोड़ा और कम मज़ा आएगा बिकॉज पहले धोनी था फिर वो रिटायर हुए एंड देन अब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. तो दोनों का बहुत ही सैड मोमेंट था कि रिटायर हो गए बट आई एम हैप्पी कि उन दोनों का लास्ट T20 मैच वॉज विनिंग द वर्ल्ड कप एंड ऑब्वियसली कि हाँ दे आर लेजेंड्स इन दिस फील्ड. राहुल द्रविड़ ने U19 कप भी जीता, वर्ल्ड कप भी अब आ चुके हैं. अब नेक्स्ट कोच की तलाश है टीम इंडिया को. क्या लगता है कौन होगा नेक्स्ट कोच और क्यों होगा? मोस्ट प्रोबेबली गौतम गंभीर बिकॉज द वे ही इज़ डेडिकेटेड टू दिस गेम एंड अभी रिसेंटली KKR को भी उन्होंने जिताया एज अ प्लेयर ऑल्सो 2011 वर्ल्ड कप एंड इन जनरल आई गेस गौतम गंभीर इज़ द ऑब्वियस चॉइस राइट नाउ एंड आई एम प्रिटी श्योर उसके अंडर वर्ल्ड कप चैम्पियंस ट्रॉफी सब आएगा इंडिया. थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू. सो आफ्टर 13 ईयर्स वर्ल्ड कप इज बैक इन इंडिया. क्या कहना चाहोगे कैसा था कल का दिन? कैसा गया आपका और पूरे देश का एक अलग गया? आप अगर कुछ कहना चाहोगे कल का टाइम? आई फील 7:30 बजे से लेकर जो लास्ट का 1 बजे तक जब वो लोग नाच रहे हैं भांगड़ा कर रहे हैं कोहली और अर्शदीप वगैरह वहाँ तक का वो मोमेंट विद राहुल द्रविड़ ऑल्सो एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस इतना खुल के आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्रेस इट दैट मच बिकॉज वो उन लोग को खुशी हो रही होगी हम लोग को तो कितनी ही कम हो रही होगी बट फॉर देम इट वॉज सच अ बिग थिंग. एक टाइम था 30 बॉल 30 उसके बाद जो क्लासन का विकेट जाता है अर्शदीप का स्पेल बुमराह का स्पेल और लास्ट का जो 6 बॉल 16 वो मूवमेंट कैसा था? 30 पे तो हम लोग ने एक मिनट तो सोचा बंद ही कर देते क्योंकि अब नहीं देखा जाएगा बट बिकॉज इट वॉज इंडिया हु वॉज प्लेइंग एंड चाहे वो अच्छा खेले बुरा खेले हम तो साथ देने ही वाले हैं. तो वो स्पेल स्पेशली बुमराह का वो स्पेल उससे तो मतलब 4 चांद लगा दिए वो मैच को इधर से वो इधर लेके गया है. एंड देन ऑफकोर्स हार्दिक अर्शदीप एवरीबडी पिच्ड इन सो वेल एंड देन सूर्य कुमार ने तो मतलब ऊंचाइयां छू दी. इसी बीच रोहित शर्मा विराट कोहली नाउ रिटायर फ्रॉम T20 फॉर्मेट. विराट कोहली ने एक वर्ड कहा था कि अब यंगस्टर्स को मैं बैक करना चाहूँगा यंगस्टर्स आएंगे. सो कितनी आप हैप्पी हो इस चीज़ से या सैड हो? हमारे लिए तो कोहली अभी भी यंग ही है उसको जाने की ज़रूरत नहीं थी बट सबका कहना है कि उनको कोहली का पता था. आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड आई वाज लिविंग इन मुझे नहीं पता था वो जाने वाला इतना जल्दी. तो बट फॉर श्योर रोहित एंड कोहली दोनों को देख के फॉर देम टू विन सच मतलब उस इस लेवल पर आके अगर उनका रिटायरमेंट हो रहा है देन आई थिंक दैट्स द बेस्ट दैट दे डिजर्व. नेक्स्ट कोच कौन हो गया? जो भी होंगे इंडिया के लिए बेस्ट ही होंगे. सो लेट्स वेट एंड वॉच. थैंक यू सो मच.